मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति समर्पित है, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। यह बात ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने राजगढ़ जिले में कृषि विज्ञान मेले के शुभारंभ अवसर पर कही। देखिए रिपोर्ट। दरअसल कमलनाथ सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कृषि विज्ञान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापक स्तर पर प्रदेश में जय किसान ऋण माफी योजना में 22 फरवरी से सभी पात्र किसानों के खाते में राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही किसानों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। फसल ऋण माफी योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का हर किसान का कर्जा माफ सरकार ने किया, सरकार के गठन के घंटों में किया और फॉर्म भराने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है। और मैं आप सब किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि 22 तारीख से खाते में पैसे भी आ जाएंगे और प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ये व्यापक स्तर पर हम करेंगे। व्यापक स्तर पर 22 तारीख से प्रमाण पत्रों का वितरण करने का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व ही इसका इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। कमलनाथ सरकार में किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाएगा। इस दौरान मंत्री सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेती एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके लिए नए आयाम तैयार किए जा रहे हैं। लक्ष्य यह है कि मध्य प्रदेश का किसान मजबूत हो, मध्य प्रदेश का नौजवान मजबूत हो। बेरोजगारी के लिए शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों की पंजीयन का कार्य 10 तारीख से प्रारंभ हो गया है और उनको 100 दिन का अनिवार्य रोजगार देने की भी बात कैबिनेट ने मंजूर कर दी है। किसान वर्ग के प्रति हम लोग वचनबद्ध हैं और पूर्ण रूप से उनको फायदा पहुंचाने के लिए समर्पित हैं। इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यह हमारा लक्ष्य है। बिजली के मामले में भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां कमियां आ रही हैं वहां उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करके और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि जहां पर बिजली की अव्यवस्था कोई पैदा कर रहा है। अघोषित कटौती मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर बिजली बंद हो रही है तो या तो ट्रिपिंग से बंद हो रही है, शेड्यूल्ड कटौती से हो रही है। और अगर शेड्यूल्ड कटौती और ट्रिपिंग के अलावा अगर कोई बिजली बंद की जा रही है, कहीं पे भी शिकायत आ जाती है, तो हम उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा रहे हैं। कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार को किसान हितेशी बताया है, तो वहीं इस दौरान खेती को लाभ का धंधा बनाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, राजगढ़।